स्टूडेंट्स, आई एम निम्र आरिफ। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और हमारे टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन है, जिनके बारे में हम जानते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। किस बेस पे डिवाइड किया है? डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन, कार्बन की अरेंजमेंट की बेस पर। कार्बन किस तरह से अरेंज है मॉलिक्यूल में, उसके स्ट्रक्चर को देखकर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो दो क्लासेस हैं? फर्स्ट है ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन को हम नाम देते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स का। एंड सेकंड वन इज क्लोज चेन, और क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो क्लासेस हैं? नंबर वन इज ओपन चेन, ठीक है, और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड सेकंड वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आपसे डिफाइन कहा जाए कि डिफाइन एसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें आपने डेफिनेशन किसकी लिखनी होगी? ओपन चेन कंपाउंड्स की। जैसे नाम से जाहिर है, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोस इन विच द एंड कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब उन्होंने कहा क्या है कि ओपन चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? आर दोस इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड। मतलब ये कि जो चेन हमारी कार्बन एटम्स की है, ठीक है, उसका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इस तरह से वो क्या करेंगे, एक लॉन्ग चेन बना देंगे ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि फर्स्ट कार्बन, ठीक है, उसके बाद सेकेंड कार्बन हो गई, नेक्स्ट हमारे पास एक और कार्बन आ गई है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगी, एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। इसको हम किसका नाम देंगे? ओपन चेन का नाम देंगे, ठीक है। ओपन चेन हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं? ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एंड्स जो कार्बन्स हैं, एंड कार्बन कौन से हैं? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, ठीक है। ये क्या होंगे? फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, मतलब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आप देखें, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान भी है, सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान भी है, थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी है, फोर और फाइव, फाइव और सिक्स के दरमियान भी है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, इस तरह से ये क्या करेंगे, एक लॉन्ग चेन बना देंगे। आगे इस तरह से इसके साथ कार्बन अटैच होते जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम नाम देंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स का। टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, आगे ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी टाइप्स हैं। दी चेन्स मे बी एट द स्ट्रेट, टाइप्स कौन सी हैं कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन किस तरह से हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोस इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन बना देंगे। अब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, और कार्बन एंड कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसा कि अगर हम देखें एन ब्यूटेन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये एक हमारे पास क्या बनी हुई है, स्ट्रेट चेन बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम पेंटेन की बात करते हैं, पेंटेन में कितने कार्बन है, पाँच। अब आपको स्ट्रक्चर देख के समझ आ जानी चाहिए, कार्बन एटम काउंट करें कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर है, तो ये क्या, किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का फार्मूला है। यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, पेंटेन का फार्मूला है। अब देखें पेंटेन में भी पांच कार्बन हैं, पांच ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में अटैच हैं, तो इनको हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स।
ब्रांच इन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? जैसा कि अगर आप देखें, ब्रांच जो है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देर इज अ ब्रांच अलोंग विद स्ट्रेट चेन। हमारे पास क्या होगी? एक स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। जैसा कि ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इस स्ट्रेट चेन में क्या किया, एक कार्बन के साथ एक और हमने ब्रांच अटैच कर दी है, मतलब कि एक और हमने सी एच थ्री अटैच कर दिया है या सी टू एच फाइव अटैच कर दिया, कोई भी मॉलिक्यूल और अटैच कर देंगे, तो इसको हम किसका नाम देंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम देंगे, ठीक है। ब्रांच चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें क्या होगा, स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस अटैच होंगे। वो ब्रांचेस कहाँ पर अटैच हो सकती हैं? फर्स्ट कार्बन के साथ नहीं होगी, ठीक है, और लास्ट कार्बन के साथ भी नहीं होगी। फर्स्ट और लास्ट कार्बन के अलावा दरमियान में जितने भी कार्बन होंगे उन कार्बन के साथ, किसी एक के साथ, दो के साथ या तीन के साथ, ये सारे कार्बन के साथ अगर हम और कार्बन एटम्स को अटैच कर देते हैं तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, या वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाएगा। जैसे कि फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, सेकेंड है, और उसके साथ आगे थर्ड कार्बन अटैच की हुई है, फोर्थ कार्बन अटैच की हुई है, और ये फिफ्थ कार्बन अटैच की हुई है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट के अलावा दरमियान में कितनी कार्बन आ रही हैं, थ्री। इन थ्री कार्बन के साथ मैं यहाँ पर भी ये कार्बन अटैच कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या करती हूँ, कार्बन अटैच कर देती हूँ, और उसके अलावा सेकेंड कार्बन के साथ भी मैं कार्बन अटैच कर देती हूँ, और थर्ड कार्बन के साथ भी मैं क्या करती हूँ, कार्बन अटैच कर देती हूँ। इस तरह से अगर हम स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच चेन्स बना देते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रांचेस लगा देते हैं, तो उसको हम नाम देंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स का। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। अब इस स्ट्रेट चेन के साथ हमने क्या किया है, सेकेंड कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच कर दिया, ठीक है, तो फिर इसको हम किसका नाम देंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम देंगे। अगर हमारे पास ब्रांच चेन में किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एक भी ब्रांच आ जाती है तो उसको हम किसका नाम देंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम देंगे। अगर हम इनकी वैलेंसी को देखें, फर्स्ट कार्बन है उसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है और चार क्या है, हाइड्रोजन के साथ है। अब ये कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन के साथ क्या किया है, हमने एक और ब्रांच अटैच की है। अब इस कार्बन ने एक कार्बन बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ बनाया है, सेकंड बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और थर्ड बॉन्ड उसने किसके साथ बनाया हुआ है, ब्रांच के साथ, ठीक है। तीन बॉन्ड उसने बना लिए हैं, तो इसलिए हम उसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस तरह से आपने सारे हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इस बात को माइंड में रखने हैं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, आपने कार्बन की चार वैलेंसी को पूरा करना है। पहले आपने देखना है कि उस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, और फिर उसके बाद उस हिसाब से आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन से एटम अटैच करने हैं। ये आज हमने जो डिस्कस किया है वो किसके बारे में डिस्कस किया है, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन हमारे पास कंपाउंड्स क्या है, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होगी, उसको हमने ओपन चेन का नाम दिया है। आगे हमने कहा है कि ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, वो कौन सी टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन है और सेकंड वन इज ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि सारे के सारे कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होंगे कि एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ठीक है। और ब्रांच चेन में क्या होगा कि ब्रांच चेन में स्ट्रेट चेन के साथ क्या करेंगे, हम ब्रांचेस अटैच कर देंगे और उन कंपाउंड्स को हम नाम देंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन में, हमने एक क्लासिफिकेशन क्या की थी, ओपन चेन, और सेकेंड हमारी क्या थी, क्लोज चेन, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज चेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।